रिसेप्शन पे बोल पड़े ना अभी कि हमको अगर ऊपर नीचे जाना था कार्ड बनवाने, ये वो उसको उल्टा बोल दिया, वो भी उल्टे जवाब दे रहा, फिर ऐसे करके कि मैं यार ऑलरेडी कस्टमर के साथ बिजी था, मैं नहीं आ सका ऊपर ये आके। जैसे अपने नाली होती है ना जिसमें लोग खड़े होकर कोने पे ऐसे करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। अभी आप सबको चाहिए होंगी एकोमोडेशन, सब एकोमोडेशन सर्च कर रहे होंगे, एकोमोडेशन सर्च कर रहे होंगे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि है एम्बर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता ही होगा, एम्बर स्टूडेंट और मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है और बहुत सारे लोगों ने मेरे थ्रू एम्बर स्टूडेंट को बुक भी किया है, और एम्बर स्टूडेंट बहुत एक अच्छी वेबसाइट है जिसका मेरे को काफ़ी गुड फीडबैक आ रहा है। और गाइस, प्रॉपर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, प्रॉपर आपकी अच्छी अच्छी स्टूडेंट एकोमोडेशंस होती हैं एम्बर स्टूडेंट के अंदर, और आपकी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बुक कर सकते हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, आयरलैंड जा रहे हो, यूके आ रहे हो, तो आप इन कंट्रीज़ के अंदर आप अपनी एकोमोडेशन भी बुक कर सकते हो, कुछ मिलता है आपको इसके अंदर। और इसके अंदर आपकी कोविड कैंसिलेशन पॉलिसी भी है गाइस, कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर आपका वीज़ा नहीं लग पाता है या फिर अगर आपका कुछ भी हो जाता है, अगर आप बुक कर देते हो, फीस जो है आपने जितना जो दिया था वो आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा वैलिड रीज़न होने पे। और प्रॉपर मैंने एक एम्बर स्टूडेंट की एकोमोडेशन का टूर भी करा था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो। और मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसके थ्रू एम्बर स्टूडेंट की एकोमोडेशन बुक करो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं हूँ न्यू कैसल के अंदर और न्यू व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हम अभी जा रहे हैं स्कॉटलैंड की ट्रिप करने, तो मैं, ऋषभ एंड तान्या है। तो अभी हम जैस्मिन को पिक करने जाएंगे पहले, फिर उसके बाद हम निकलेंगे एबरडीन, पता नहीं स्कॉट कहाँ पे, हम कहाँ जाएंगे, एडिनबरा जाएंगे या कहाँ जाएंगे अभी हमें कुछ पता नहीं है, बट हमारा जो होटल बुकड है वो एबरडीन के अंदर है। तो लेट्स सी कि हम किधर जाते हैं, तो स्टे अपडेटेड गाइस। गाइस, अब हम निकल रहे हैं, 4 hours 40 minutes का वे है, एंड हमने जैस्मिन को ले लिया एंड सब आ चुके हैं, लेट्स गो। तो गाइस, फाइनली स्कॉटलैंड पहुंच चुका हूँ। हम ना अभी रास्ते से आ रहे थे, ये वाले रास्ते से अभी ना, तो हमने जल्दी से देखा ये स्कॉटलैंड वेलकम्स यू, तो हम जल्दी से मैंने सोचा कि यहीं पे गाड़ी रोकूं, पहले मैंने इस जगह पे गाड़ी रोकी, फिर मैंने वहाँ आगे गाड़ी खड़ी कर दी, तो ये स्कॉटलैंड, ये देखो वेलकम टू स्कॉटिश बॉर्डर्स वहाँ पे लिखा हुआ है, बर्कविक शायर, और ये भी यहाँ पे है। कैसा लग रहा है आपको स्कॉटलैंड आके? बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये देख लो गाइस, स्कॉटिश बॉर्डर, तो बढ़िया लग रहा है। इंग्लैंड नहीं है? ओए नहीं 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 ओए नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे वो पीछे है ना, वो वाली जगह पे ये जो ये लगे है ना साइन, इस जगह पे बॉर्डर है कुछ ना, ये क्योंकि ब्रिज है देखो। अरे छोड़ दो यार, यहाँ पे कुछ है, इस तरफ इंग्लैंड है और इस तरफ स्कॉटलैंड है। यार फर्स्ट टाइम मैं गाइस 6 countries ट्रैवल कर चुका हूँ, ऐसे अगर देखे तो खाली यूके के अंदर 4 countries मैं सारी ट्रैवल कर चुका हूँ, एंड इंडिया एंड आयरलैंड, तो टोटल 6 countries मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है ना, तो यार बहुत मज़ा आ रहा है। एनीवेज गाइस, थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। गाइस हमको ना बड़ा क्रेज चढ़ा था अभी स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड का, तो अभी हमने क्रेज के चक्कर में हम गाड़ी ठुकवा सकते हैं अपनी भाई, तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब बिल्कुल करो, तो सही बात है यार। अभी हम ओ यार ये कौन सा रास्ता है, ये देखो ये यहाँ पे यार हमारी गाड़ी ऐसी खड़ी है, पता है आपको, हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। गाइस अब मैंने कार अपनी फ्यूल कर ली है पूरी फुल, और यहाँ पे डीजल काफ़ी सस्ता है, जैसे अपने कोवेंट्री के अंदर है 155 समथिंग है, समटाइम्स 151 हो जाता है, यहाँ पे 136 पाउंड्स का है, जस्ट सॉरी पेंस का 136, तो काफ़ी चीप है यहाँ पे। और मैं आपको ज़रा टाइम लैप्स दिखा देता हूँ अब अपने रूट रूट का ज़रा थोड़ा सा ना। ये देखो गाइस, अब अभी हम हैं स्कॉटलैंड के ये वाले ब्रिज के, कौन सा नाम, क्या नाम है ब्रिज का? क्वींस फेरी, क्वींस फेरी ब्रिज है गाइस, ये देख लो। अभी यहाँ पे इसमें सही नहीं दिख रहा, ये देखो गाइस व्यू, ये है पूरा क्वींस फेरी ब्रिज गाइस, और काफी अच्छा है। और ये पीछे बैठ के लड़ाई कर रहे हैं कि माइक कहाँ है माइक, तो अभी हम ये एग्जैक्टली हम ब्रिज के ऊपर है, क्वींस फेरी ब्रिज, ये देख लो गाइस, ये ब्रिज की रस्सियां हैं जो भी है, पूरा ब्रिज देखो गाइस,
सा ब्रिज है कुछ ये, और यहाँ स्पीड लिमिट भी है 40 की, हम 40 पे ही जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम आए हैं, अभी 12:30 बज रहे हैं और हम सुबह निकले थे 8 o'clock, ठीक है। तो हम 12:30 बजे हमने एडिनबर्ग क्रॉस कर लिया है, और आर्बरडोर कोई जगह है वो हमने क्रॉस कर लिया, और पता नहीं कौन कौन सी लोकेशंस हमने क्रॉस कर ली हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं अभी रास्ते के अंदर। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे, देख सकते हो गाइज आप, गाड़ी में बैठे हैं सब अपनी, और ये यहाँ का ऐसा व्यू है, देखो काफ़ी अच्छा व्यू है। और गाइज एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी गर्मी होगी। मैं जैसे गाड़ी चला रहा था ना, तो राइट वाली थाई होती है ना वहाँ पे, मतलब शीशे से धूप पड़ती रहती है, तो राइट वाली थाई इतनी गर्म हो गई है गाइस कि मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी धूप पड़ पड़ के, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है आज ना। बाकी पानी में जाके देखते हैं, ठंडा हुआ तो अंदर जाते हैं, और उधर लोग पता नहीं सैंड कैसल वगैरह बना रहे हैं शायद, आई डोंट नो, देखते हैं वहाँ पे भी जाके। अभी हमने एक रील बनाई है, काफ़ी सस्पेंस वाली है, मैं अभी बताऊँगा नहीं आपको उसमें हमने क्या बनाया है, लेकिन काफी बढ़िया बनी है, तो इसलिए मेरे को गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। झरना भी है, झरना ये देखो, ये भी बोल रहे हैं कुछ, इनको बोलना बड़ा पसंद है, जैसे अपने नाली होती है ना जिसमें लोग खड़े होकर बोलने पे ऐसे, ये इनका मीम बन सकता है ना, दोबारा करना ऐसे करके दिखाना, बढ़िया लगा। लोग ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे निकलते बोलो पे। अभी हम नीचे बैठ गए हैं, ये देखो हमने अपने लिए बिछाई है, मेरे पास एक बेड सा पड़ा हुआ था, स्लीपिंग बैग कहते हैं इसे, और ये देखो अभी हम यहाँ पे ऐसे करके बैठे हैं सब। तो गाइस अभी मैं एबरडीन पहुँच चुका हूँ फाइनली, और काफ़ी नींद सी हो रही है मेरे को, आ रही है। ओह एयरपोर्ट, जस्ट हम एयरपोर्ट के पास ही हैं, ये प्लेन जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है। तो एनीवेज गाइस अभी हम एबरडीन पहुँच चुके हैं, ये होटल है हमारा हॉलीडे इन, ठीक है, तो इसके अंदर अभी हम जाएंगे, और ये पार्किंग है हमारी, तो इसके अंदर गाइस पार्किंग के मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ, ठीक है। तो पार्किंग के अगर हम रेसिडेंट हैं इधर, तो हमारे 10 pounds लगेंगे गाइस पर नाइट, एंड नॉन रेसिडेंट हैं तो 50 pounds पर नाइट लगेंगे। एंड होटल का गाइस हमें नियरली पड़ गया, अगर हम पैसे कटवा लेते हैं ऑनलाइन बुकिंग करके, तो 55 pounds पर नाइट आज का हमारा रेट जो है, और अगर आप पैसे नहीं कटवाते हो अपने ऑनलाइन, जस्ट बुकिंग करते हो और इधर आके पे करते हो, तो 65 pounds, तो लगा लो हिसाब। ओके बाकी हम अंदर जाके कंटिन्यू करते हैं अब। तो गाइस अभी हम होटल के अंदर पहुंच चुके हैं, और ये है मेरे रूम का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अब मैं चेक इन करने वाला हूँ, मतलब चेक इन तो ऑलरेडी कर लिया है, बट ये ऐसे डालते हैं। रूम खोलने का ट्राई तो किया, वो दोनों लड़कियों का रूम तो खुल गया, बट हमारा रूम खोल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। और मतलब कि आपको नीचे आना पड़ेगा, तो अभी वो कह रहे हैं कि कार्ड चेंज करके देंगे हमें। बाकी लिफ्ट भी देखो काफ़ी सही है इनकी गाइस, तो अभी हम नीचे जाके कार्ड अपना चेंज करवा के आते हैं। ये हमारा कार्ड है कुछ 204 का, मेरा 204 है हमारा, तो अब जाके चेंज करा के आते हैं कार्ड। ये सर्विस अच्छी नहीं हुई कि नीचे जाने को बोल रहे हैं, ऊपर आना चाहिए था, इनका फॉल्ट है तो इन्हें ऊपर आना चाहिए था, बट स्टिल ठीक है, बट कोई बात नहीं। लेकिन ये अगर ऊपर भी आएंगे तो हमें न्यू कार्ड कैसे बना के देंगे, कार्ड तो इन्हें नीचे ही बना के देना पड़ेगा ना रिसेप्शन पे। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस फाइनली खुल चुका है अपना रूम, ऐसा कुछ है अपना रूम, और लाइट जलाओ। You'll have to put this card here to turn the lights on, I guess. That's fine. देखो गाइस काफी अच्छा लग रहा है, वॉशरूम भी देखो हमारा कितना साफ है यार, बढ़िया है, नहाने का ये भी सब बढ़िया है, एक टॉवल वॉवल भी घर ले जाएंगे अपने, कोई बात नहीं, सब कुछ है यहाँ पे, टिश्यूज वगैरह हैं, वो ग्लास इन्होंने रखा हुआ है ये पानी वानी पीने के लिए ना, देखो यहाँ पे, और ये देखो ये पूरा मिरर दिया हुआ है इन्होंने, प्लस ये भी है, सोफ़ा भी दिया हुआ है, फ़ोन वोन करना हो कुछ फ़ोन कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा ऋषभ आपको? अच्छा यार, बस सर्विस थोड़ी सी खराब थी इनकी, रूट थी, हमको दो नए कार्ड ही अगर उनको देने थे। वो यार ये रिसेप्शन पे बोल पड़े ना अभी कि हमको अगर नीचे ही आना था कार्ड बनवाने, ये वो उसको उल्टा बोल दिया, वो भी उल्टा जवाब दे रहा, फिर ऐसे करके कि मैं ऑलरेडी कस्टमर के साथ बिजी था, मैं नहीं आ सका ऊपर, लेकिन अब उसने हमें दो कार्ड दे दिए इस बार, ना कह रहा अब नहीं चलता तो मेरे को बताना, मैं ऊपर किसी को हेल्प के लिए भेजता हूँ। बट अगर उसको नए दो कार्ड ही देने थे तो मेरा कहने का मतलब था कि वो ऊपर कार्ड लाके देना चाहिए था, और जब मैंने उससे पूछा कि तुम कार्ड स्वैप करके दे रहे हो या इसी कार्ड को कुछ रीसेट करके दोगे, तो ही रूडली रिप्लाई आई एम गोना गिव यू टू कार्ड्स नाउ, एंड तो फिर मेरे को थोड़ा सा हिट किया, तो फिर मैंने वहां पे सुना दी उसको। चलो कोई बात नहीं, क्यों सुने ना, हम तो पैसे दे रहे हैं, इतना भी मतलब गलत नहीं बोला कुछ, हम भी कस्टमर सर्विस में काम करते हैं, एक टोन ऑफ वॉइस होती है चीज
जिस तरीके से आप चीजों को रखते हो ना उस तरीके से आप रिप्लाई भी एक्सपेक्ट करो, ये सिखाया जाता है कस्टमर सर्विस में। चलो कोई बात नहीं, बाकी अब थोड़ा सा आंखें बंद करके थोड़ी देर लेटते हैं, 5 o'clock हो चुके हैं ऑलरेडी और हम सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं और अभी हम डंडी घूम लिया हमने थोड़ा सा, और हम कहाँ घूमे ऋषभ, बीच पे घूमे कोई एक बीच, बट अभी हमको एक प्रॉपर जगह पे ऐसे घूमे नहीं आया, क्रिक प्ले नहीं ऐसी कुछ था, बट हम ज्यादा देर रुके नहीं यार जगह यार। पर अच्छा था यार जो स्कॉटलैंड ट्रिप है ना वो मेनली मैं आपको बता दूं कोई सिटीज में नहीं होता, वो खास करके रोड वाला जो ट्रिप होता है ना, एक वादियां देखनी है पहाड़ देखने, ये वो वाला ट्रिप अच्छा है, मतलब ऐसा कह सकते हैं आपको सिटीज इतनी वो नहीं मिलेंगी, है अच्छी ब्यूटीफुल टाउन्स भी हैं, बट ज्यादातर ये जो ट्रिप है वो रोड रोड पे आपको ज्यादा मजा आता है कि बीच में सी आ रही है, बीच आ रहा है, ब्रिज आ रहा है, माउंटेन्स आ रहे हैं, वाटरफॉल्स आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा मजा आता है रेदर देन गोइंग एट अ प्लेस सिटिंग इन अ होटल और समथिंग लाइक दैट, तो उससे ज्यादा बेटर घूमने वाला पोर्शन है इसमें। बाकी चलो एंड एंड कह रहा हूँ, एंड नहीं करना अभी व्लॉग, अभी हम तो और बना रहे हैं अभी, बाकी हम थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट करते हैं थोड़ा, बाकी हीटर वीटर दे रखे हैं यहाँ पे, यहाँ नहीं देखो।